नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा WRN न्यूज में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड की एक बेहतरीन खबर। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के एक बेहतरीन कलाकार के बारे में, जो अपने एक अलग ही अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर एक नंबर मानस, सही पहचाने अ ट्रू ह्यूमन बीइंग बट एन ओनली एजाज खान। एजाज खान दिल्ली में संपन्न हुए दिल्ली टाइम्स फैशन वीक में डिजाइनर नीतू सिंह के शो स्टॉपर रहे। उनके लिए उन्होंने रैंप वॉक किया। दिल्ली टाइम्स फैशन वीक में बॉलीवुड एक्टर एजाज खान डिजाइनर नीतू सिंह के लिए शो स्टॉपर बने और उनके लिए रैंप वॉक किया। एजाज खान अपने फैंस का हमेशा ध्यान रखते हैं। दिल्ली में जब उन्हें पता चला कि उनके लिए कुछ चाहने वाले फैंस देश के अलग अलग कोनों से 3 दिन से मुंबई में उनके ऑफिस में उनका वेट कर रहे हैं, तो वे दिल्ली से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते ही डायरेक्ट अपने फैंस से मिलने ऑफिस गए। काम है आपको पहले पहले ज्यादा अच्छा लगता था, आपको आदत सी हो गई है, इतने शो किए गए, अच्छा लगता है। सर, ऑल ऑफ सडन इतने आपके फैंस जो है जम्मू, देहरादून और भी रेस्ट ऑफ इंडिया से आए हैं, तो कैसा लग रहा है सर? और देखिए, वहाँ से आप फ्लाइट करके आए और लोगों से मिल रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, फीलिंग अच्छा लगता है, प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है, लोग उनसे प्यार करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, जो लोग मिलते हैं। मैं सोचा पहले इनसे मिलूँ सबसे, उसके बाद जाता हूँ घर पर। आप लोग मिलने आए हो, प्यार देने आए हो, तो प्यार के लिए ले लेना चाहिए, दुआएं भी लेना चाहिए। सर, आपकी आने वाली परिस्थिति में बताएंगे, हमारे नॉलेज जैसे आपकी फिल्म होती है जरा सब फिल्म आ रही है, थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालेंगे ताकि आपके फैंस भी खुश हो जाए और आप जो वीडियो देखेंगे उन्हें भी लगे आपने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। गुलमकाई एक फिल्म जो अमजद खान ने डायरेक्ट की है, मलाला यूसुफ जई की फिल्म है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते, पर उसमें एक अच्छा रोल है पाकिस्तान में। सर, अपने फैंस के लिए आप क्या मैसेज देंगे सर, जैसे कि ये फैन इतनी दूर से आपसे मिले हैं, बाकी लोग आपकी जो फैंस जो नहीं आ पाए उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे सर? यही कहूँगा कि गवारा हर कमी हमें ना करना, प्यार कम सनम तुम्हारी चाहत के दीवाने हुए हैं, दुआएं करते रहना। आप लोग से मैं नहीं मिल पाया हूँ, लेकिन मैं आपके साथ ही हूँ और आपकी दुआओं से, आपके प्यार से, आपके पावर से, कि जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था और आप लोगों ने खरीद के अनुभव बना दी, बहुत बहुत शुक्रिया। Wish you all the best of right here, sir. चाहने वालों की जो भी हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं उनके चाहने वालों की कोई फिरसत लिस्ट में कमी नहीं होती। और बात किया जाए एजाज खान एक नंबर खान, तो उनके फैंस इतने उनसे प्यार करते मोहब्बत करते कि मिलने के लिए इतनी दूर से मुंबई आए हुए तो उनकी बात करते हैं। ममता जी से, ममता जी कैसा लग रहा है? सर से आपने मिला? सर ने क्या बताया? और सब सर की सबसे अच्छी बात है आपको क्या लगी जब मिले और स्क्रीन पर देखते हैं तो कैसा लगता है? बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं, सेम सेम अच्छा लगा उनसे। और बाकी फैंस को क्या क्या संदेश देंगे कि आप जाज सर के बारे में जैसा सोचते हैं, उनको आप बिग बॉस 7-8 में उनको देखा और रियल लाइफ में मिलकर और अच्छा लगा, बिल्कुल सबसे प्यार से बात करते हैं, अच्छा मिल अच्छा लगा, इतनी दूर आए हमारा सफर।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। जिनको आपने हमेशा टीवी पे देखा और रूबरू मुलाकात हुई तो हाउ यू फीलिंग, कितने एक्साइटेड थे और मिलने के बाद कैसा लगा? सामने आए तो समझ नहीं आ रही थी क्या बोलूँ, इसलिए खड़ा था चुपचाप करके, फिर करा था वहाँ से मिलना, फोटो खिंचवा लिया। और तो सोच भी नहीं सकता था कि जाके उनसे मिल पाऊँगा। एग्जैक्टली जम्मू में आप कहाँ से आए हैं? जम्मू में मैं हाई कोर्ट साइड से, मतलब जानीपुर डाली मोड़ वाली साइड से हूँ। तो देखा है इनको मैं टी वी पर, काफ़ी इनको देखता हूँ। तो अब कोई मतलब मैंने इनकी ये देखी थी, एक अल्लाह के बंदे देखे थे, अच्छी लगी, बहुत सही एक्टिंग है इनकी। तो सर से क्या बात हुई आपकी, सर कुछ बोले सर आपको? हाँ सर ने बोला कि जब कैसा मौसम है, ठीक है, बस गर्मी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।